हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? ऐसा करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे। फ्रेंड, ये Xiaomi का मोबाइल है जिसमें पैटर्न लॉक लग गया है। तो फ्रेंड, अगर आपके भी फ़ोन में इस तरह से पैटर्न या पासवर्ड लॉक लग जाता है और दूसरा कोई पैटर्न लॉक डाल के जब हम इसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं और वो रॉन्ग आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊँगा इसका पैटर्न लॉक कैसे अनलॉक करते हैं। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ़ोन को पावर ऑफ कर लेंगे। तो पहले डिस्प्ले का लाइट जला लेंगे। अब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखे रहेंगे। अब यहाँ पर पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ गया है। अब सिलेक्ट करेंगे, इस फ़ोन को ऑफ़ कर लेंगे। ठीक है, हमारा फ़ोन ऑफ हो गया है। अब क्या करेंगे, देखिए फ़ोन के इस साइड में सबसे ऊपर में वॉल्यूम अप बटन है, उसके नीचे वॉल्यूम डाउन बटन है और सबसे नीचे में पावर बटन है। तो हम लोग क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखना है, उसके बाद जाके पावर बटन को दबाना है। जैसे हमारा फ़ोन स्टार्ट होगा, पावर बटन छोड़ देंगे और जैसे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा तो वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखेंगे, उसके बाद जाके पावर बटन को दबाए रखेंगे। इसी तरह दबाए रखेंगे, मोबाइल स्टार्ट हुआ, पावर बटन छोड़ दिए और जैसे यहाँ पर ऑप्शन आया तो वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे। आ गया, वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ दिए। अब हमारे फ़ोन पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मेन मेन्यू, यहाँ पहला नंबर में लिखा है रिबूट, सेकंड में लिखा है वाइप डाटा। तो हम लोग को वाइप डाटा पे आना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन दबा के वाइप डाटा पे आ जाएंगे। आ गए वाइप डाटा पे, अब हम लोग इसी पर रहना है और पावर बटन दबा देना। चलिए दबा देते हैं। अब यहाँ ऊपर में लिख के आया वाइप डाटा, यहाँ पहले नंबर में लिखा हुआ है बैक टू मेन मेनू, लास्ट में लिखा हुआ है वाइप ऑल डाटा। तो हम लोग को वाइप ऑल डाटा पे आना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन दबा के वाइप ऑल डाटा पे आ गए। अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। जैसे पावर बटन दबाएंगे, यहाँ लिखा है कन्फर्म वाइप ऑफ ऑल डाटा। अब यहाँ लिखा हुआ है कैंसिल, नीचे लिखा हुआ है कन्फर्म। तो लोग कन्फर्म पे आ जाना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन से कन्फर्म पे आ जाएंगे। आ गए कन्फर्म पे, अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। जैसे पावर बटन दबाएंगे, हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा चुका है डाटा वाइप्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ बैक टू मेन मेनू। तो पावर बटन दबाएंगे और मेन मेनू में आ जाएंगे। आ गए मेन मेनू में, अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर में लिखा है रिबूट। तो हम लोग को रिबूट पर रहना है और पावर बटन दबा देना। चलिए दबा देते पावर बटन। अब यहाँ लिखा हुआ ऊपर में रिबूट, यहाँ पहले नंबर में लिखा है रिबूट टू सिस्टम, लास्ट में लिखा है बैक टू मेन मेनू। तो हम लोग को रिबूट टू सिस्टम पर ही रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। जैसे पावर बटन दबाएंगे, हमारा फ़ोन जो है रिबूट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो जब तक हमारा फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए, तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जो है आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। फ्रेंड, ये हार्ड रिसेट प्रोसेस है। हार्ड रिसेट कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे फ़ोन का सारा डाटा इरेज हो जाता है और हमारे फ़ोन में जो लॉक लगा रहता है वो हट जाता है। फ्रेंड, अगर आपको अपने फ़ोन का डाटा को इरेज नहीं करना है, अगर आपको अपने फ़ोन का डाटा को बचाए रखना है, तो आप इस फ़ोन को हार्ड रिसेट ना करें और अपना पुराना लॉक याद करें। पुराना लॉक डालने के बाद ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा और आपके फ़ोन का डाटा बच पाएगा, नहीं तो आपको अपना फ़ोन हार्ड रिसेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन का लॉक अनलॉक करने के लिए और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। फ्रेंड, हार्ड रिसेट प्रोसेस के बाद हमारा फ़ोन FRP लॉक में भी फंस जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। FRP लॉक जब आ जाता है तो आप अपने फ़ोन का पुराना जीमेल आईडी पासवर्ड डालें, जो इस फ़ोन में आप लास्ट टाइम यूज किए थे। अगर आप वो भूल गए हैं तो इसके बाद भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, FRP लॉक अनलॉक करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को देख के अपने फ़ोन का FRP लॉक भी अनलॉक करें। फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे। थोड़ी देर में हमारा मोबाइल खुल जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हम लोग को यहाँ थोड़ा सा वेट करना है। फ्रेंड, मैं अपने वीडियो थोड़ा सा भगा देता हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन इसी तरह से खुल जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लगा, कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।